सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और सभी का मेरे चैनल में स्वागत है एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में पालक है और ये मैंने अभी ही अपने गार्डन से निकाली है और मैं आज आपको बताऊंगी कि हम घर में इस तरीके की पालक कैसे पा सकते हैं और उसको लगाने का तरीका क्या है, जिससे जब आप अपने घर में लगाएं तो आपको भी इतनी ही बेहतरीन पालक मिले। ये पालक मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए पूरी जड़ से निकाली है, अदरवाइज़ मैं सिर्फ इसकी पत्तियां ही काट लेती तो मेरी एक कोई भी क्विजीन या सैलड के लिए ये काफ़ी होती। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें मिट्टी कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये मिट्टी का एक कहना चाहिए बर्तन है, आप चाहें तो ऐसा उथला लीजिए क्योंकि हमें कटिंग कर करके इसको यूज़ करना है। यदि आपके पास कोई खाली पॉट रखा हुआ है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास ट्रे हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, यदि किसी भी प्रकार के आपके पास आटे वगैरह के बड़े बड़े बैग्स हैं आप उनको भी ले सकते हैं। मेरे पास ये था इसलिए मैंने ये लिया है। अब हम इसमें अपनी गार्डन सॉइल और कॉम्पोस्ट डाल देंगे इसमें मिक्स की हुई। मैंने 50% गार्डन सॉइल ली है, 50% कॉम्पोस्ट ली है। आपके पास यदि कॉम्पोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कॉम्पोस्ट ले सकते हैं और मैं सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर में कॉम्पोस्टिंग स्टार्ट करें। कॉम्पोस्टिंग करने से आपको अपने घर में ही रिच सॉइल जो है वो मिल जाती है। तो सबसे पहले हम गमले को भर लेंगे। ये आप देख रहे हैं ये मेरी बिल्कुल मिट्टी तैयार है। अब आप मार्केट से बीज भंडार से आप पालक के बीज इस तरीके के होते हैं, देखिए हम ये पालक के बीज जो है इनको ऐसे डाल देंगे। ये अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरे पास में लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसमें लिखा हुआ है ये लिक्विड सीवीड कंसंट्रेट है, ये जिसको कोल्ड प्रोसेस से बनाया हुआ है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपको मार्केट में आजकल बहुत सारे सीवीड एक्सट्रैक्ट वाले आते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास में अब हमें क्या करना है, इसको हम कुछ बूंदे एक मग्गे पानी में हम डाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमने डाल लिया, हमने इसको मिक्स कर लिया और ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये सीड्स हमने डाले हैं ये सीड्स को हम कोकोपीट से कवर करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी मोटी लेयर हम डाल देंगे जिससे चिड़िया वगैरह जो है इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। तो ये मेरे पास में मेरा कोकोपीट इसलिए हमने डाला है क्योंकि ये बीजों पे एक्स्ट्रा कोई लोड नहीं डालता, वजन नहीं डालता, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं उनको या सीड जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमने फुल्ली कवर कर दिया। अब हम हाथ की सहायता से इसमें हम पानी देंगे, डायरेक्ट हमें नहीं डालना, हल्का हल्का इस तरीके से हम डालते जाएंगे कि हमारा पूरा पॉट जो है ये कवर हो जाए। देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये जर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये हमारा हो गया, ये जो सीड्स आप देख रहे हैं इनको हम थोड़े से कोकोपीट से कवर कर देंगे और उसके बाद में हम इसको पेपर से ढक के ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर इनको बर्ड्स जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। शेड में रख दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने 10 दिन पहले पालक के सीड्स लगाए थे। पालक को पूरी तरह से उपयोग करने के लिए बनने में कम 1 से 1.5 महीना लगता है, लेकिन जब हम मिट्टी वगैरह अच्छी लेते हैं या हमारी मिट्टी ऑर्गेनिकली फुल रिच होती है तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा करीबन 10 दिन पुराना पालक कितना बड़ा है जो मैंने इसी मेथड से लगाया था। ये देखिए मैंने 2 गमलों में लगा के रखे हुए हैं।
ये आधा आप देख रहे हैं ये तो बर्ड्स खा गई, इनके प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये ओल्ड सीडी लगा के रखी, यदि आपके पास है तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, जैसे ही दिन ढलता है तो मैं इनको एक पुराने कपड़े से या दुपट्टे से ढाँक देती हूँ, तो इसीलिए एक पॉट के उन्होंने आधे खा लिए हैं, लेकिन फिर भी इसमें देखिए ये इसमें लीव्स निकल रही हैं, और इसमें भी देख लीजिए आप। तो ये करीबन मेरे ख्याल से मेरा 15-20 दिनों के लिए, 15-20 दिनों के बाद में ये पालक मेरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, मैं इसकी छोटी छोटी लीव्स जो है वो कट करके यूज़ कर पाऊँगी। और रही बात फर्टिलाइज़र की, तो देखिए आप महीने में एक बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि वैसे ही आपकी सॉइल जो है ऑर्गेनिक रिच है, लेकिन आप चाहें तो बीच बीच में भी 15 दिन के अंतराल में भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। पर जब आप पहली हार्वेस्ट लेते हैं तब आप ज़रूर इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, जिसमें नए पत्तियों को निकलने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।